हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हो? मैं बहुत बहुत अच्छी हूँ। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू इंडियन ब्यूटी गाय। सो गाइज, आज भी मैं एक और चीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि हाल ही में लैक्मी ने बहुत एकदम नई लॉन्च किया है। तो देख सकते हो, ये है लैक्मी का ब्लश एंड ग्लो जेल स्क्रब। देख सकते हो, ये है मैंने इनको लिया है ग्रीन एप्पल एंड एप्रिकॉट जो बोल के आती है, वही स्क्रब लिया है। इसके बहुत सारे फ्लेवर्स भी है, दो तीन वेरिएंट्स भी है इनके। आप चाहो तो ये नायका या पर्पल में या फिर आपके लोकल स्टोर्स में भी मिल जाएंगे। दोस्तों, इसका प्राइस है 125। देख सकते हो, बहुत अच्छी सी लुकिंग है। और इसकी जो प्रोडक्ट क्वांटिटी है वो 50 ग्राम्स है गाइस, और जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये पावर ऑफ स्क्रब है एंड सॉफ्टनेस ऑफ द जेल है। और ये बोलते हैं कि आपकी स्किन को जो अच्छे से एक्सफोलिएट करता है, कोई भी ड्राइनेस होने की कोई भी दिक्कत नहीं होती है गाइस। मतलब ऐसा नहीं होता कि इस स्क्रब को लगाने के बाद आपकी स्किन ड्राई और डल दिखने लगेंगी। नो गाइस, आपकी स्किन ग्लोइंग दिखने लगेंगी और एकदम अच्छी सी मॉइस्चर भी लगाएंगे और मतलब मॉइस्चर लगेगा और आपकी जो स्किन एकदम जो है वो एकदम मतलब एकदम सूखी सूखी में भी दिखेगी, अच्छी दिखेगी। अगर आपकी स्किन में ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम है तो वो ये घटाने में भी मदद करेंगे दोस्तों, और मुझे बहुत पसंद है। और आप लोगों को पता ही है कि लैक्मी हिंदुस्तान यूनिलीवर का ब्रांड है और मेड इन इंडियन का प्रोडक्ट है, जो कि मैं हमेशा से बताती आई हूँ। और इनका जो शेल लाइफ है वो है 2 ईयर्स। ये देख सकते हो यहाँ पे 919 करके इन लोगों का मतलब बनाया हुआ है ये एकदम, और 821 को ये खत्म हो जाएगा। सो मुझे बहुत पसंद आया है दोस्तों, देख सकते हो गाइस, ये एकदम ग्रीन एप्पल को ध्यान में रखते हुए ऐसे ग्रीन कलर डाला गया हुआ है और मुझे बहुत पसंद आया है दोस्तों। देख सकते हो गाइस, देख सकते हो। तो चलिए इनको ओपन करते हैं, ऐसे ओपन होता है और चलिए इनको थोड़े बहुत देख सकते हो। पता नहीं आप देख पा रहे हो कि नहीं, एकदम हल्का सा मतलब एकदम हल्का ग्रीन वाला जो इफेक्ट होता है ना, वही है। तो इसका जो अंदर जो बीट्स है ना वो एकदम हर्ष नहीं है, एकदम अच्छे से एकदम सॉफ्ट से दाने हैं। आप हल्के हाथ से मसाज करोगे, जिन सारे लोगों के एकदम एक्ने वाले स्किन है कोई दिक्कत नहीं होने वाली है गाइज। एकदम हल्के हाथ से मसाज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हाँ, इसके जो ग्रैन्यूल्स है वो थोड़े बड़े हैं, मतलब आपको हाथ पे लग रहे हैं, मतलब आप समझ पा रहे हो कि ये हाथ पे लग रहे हैं। और इसका वो जो स्मेल होता है ना, कहीं ना कहीं वो ग्रीन एप्पल एंड एप्रिकॉट मिक्स्ड स्मेल है, जो कि बहुत प्यारा है। सो देख सकते हो, एकदम हल्के हाथ से जेंटली आप मैसेज करके फिर आप ठंडे पानी से धो सकते हो, या फिर ठंडे पानी मतलब ये नहीं कि फ्रिज के पानी से ही धोना पड़ेगा, आप नॉर्मल वाटर से भी धो सकते हो गाइस। तो मैं इनको वॉश करके आती हूँ। सो देख सकते हो दोस्तों, मैंने इनको धो लिया है और एकदम जो हल्का सिल्की सिल्की ऐसा लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कोई स्क्रब यूज़ किया है तो एकदम जो होती है ना कभी कभी त्वचा हमारी खींच जाती है, वैसी नहीं लग रही है, एकदम हल्की सी लग रही है और बहुत प्यारी सी लग रही है। और मुझे इनका जो मतलब ये जो सारी होती है ना एकदम स्किन को आपकी टाइटन करती है और फ्लॉलेस दिखाती है, ये चीज मुझे बहुत पसंद होती है गाइस। अब देख सकते हो फर्क, देख सकते हो मतलब एकदम ऐसा नहीं लग रहा है कि सूखा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। रुकिए दोस्तों, मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, ये मुझे सूट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये आप लोगों को भी सूट करेगा। कोई भी चीज अपने चेहरे पे या फिर कहीं पे भी लगाने से पहले पैच टेस्ट करना जरूरी है, जो कि मैं हमेशा से बोलती आ रही हूँ, हमेशा बोलूंगी, क्योंकि हमारी जो स्किन है हर किसी की अलग अलग टाइप की स्किन है और एक ही चीज हर किसी को एक ही तरह से सूट करे ये मुमकिन नहीं है दोस्तों। तो कुछ भी लगाने से पहले, उसको हम पहुंचाने से पहले, सो प्लीज प्लीज आप
आप मेक श्योर हो जाए कि आपकी त्वचा को ये हार्म नहीं कर रहा है, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, चाहे वो कुछ भी प्रोडक्ट्स हो, राइट। सो आप पैच टेस्ट जरूर कीजिए, उनके बाद ही ये इसको इस्तेमाल करिए। ये मेरे एज अ ब्यूटी गाइड आप लोगों के लिए सजेशन होते हैं हमेशा के लिए। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू, कीप वॉचिंग। It's you.